problem. Let's start with it. So let's start with the chapter limits. And the first topic of this chapter is introduction to limits. Okay. So ek line likhi hai, dhyan se suniye ye. To conceive the total idea about the notion of three important questions, notion of limit, three important questions need to be answered. लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, पहला सवाल उठता है इस चैप्टर में कि लिमिट हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए ये तीन क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी आई होप समझ रहे हो सभी लोग बात, लिमिट किसका निकाल रहे हैं, आंसर लिखा है साथ में, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आई एम श्योर फंक्शंस आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, हम लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, और तीसरी बात, हाउ विल वी एबल टू फाइंड द लिमिट, राइट। तो लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शंस की, ये बात तो क्लियर हो गई। अब सवाल उठता है, व्हाई डू वी इवेल्युएट द लिमिट्स, उसके लिए छोटी सी बातें लिखी हैं, सुनो एक बार आराम से मेरी बात। The need for evaluating the limit of a function arises in our physical sciences and engineering when we come across the situations where a function which is not defined at x equal to a, koi function x equal to a par defined nahi hai, but however the value of the function as x is so close to a symbolizes a useful physical quantity. ये पूरी बात जो ऊपर लिखी है, इसका सारांश या इसका मतलब मैं बोलूं, इस बात से समझ आ जाएगा जो नीचे के एग्जाम्पल लिखा है कि let us say कोई एक फंक्शन लिखा मैंने आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। हम जानते हैं इस फंक्शन की वैल्यू 0, 1, माइनस 1, 3, रूट 2, इन सब पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट करेंगे वैल्यूज, आपके सामने लिखी भी है, ठीक। लेकिन इफ आई ट्राई टू फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू 2, अगर मैं x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालू, वो उसकी डोमेन में है नहीं। एफ एक्स की जो डोमेन है उसके अंदर में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस का 2 है, करेक्ट। और आप ये भी देख पा रहे हैं, टू पुट करने पर जीरो अपॉन जीरो आ जा रहा है, और जीरो अपॉन जीरो यानी डिनोमिनेटर में जीरो मैथ्स के अंदर में अलाउड ही नहीं होता, राइट। चलो एक बात तो ये समझ में आ गई अपने को। अब तो सवाल उठता है, हम लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं। सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात बोलूं अगर मैं, लिमिट्स इसलिए पढ़ रहे हैं, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, लेट अस से ए। आप इस बात को ऐसे समझें कि मान लो मैंने सिंपल एक फंक्शन बोला, एक फंक्शन लिखा मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और इस फंक्शन को मैं प्लॉट करना चाहूं अगर ग्राफ के ऊपर, तो ये वैल्यू आएगी, ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा, ये पॉइंट है 0.2, राइट। और इसी तरह अगर मैं एक और फंक्शन आपके सामने उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, लेट अस से वी टॉक अबाउट द एग्जांपल वी टुक राइट नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, ठीक, गेटिंग माय पॉइंट। हमने ये फंक्शन ले लिया, अब ये फंक्शन लिया तो ध्यान से देखो, नो डाउट ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर के एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू तो आ जाएगा, लेकिन इसकी डोमेन में टू नहीं है, इस फंक्शन की डोमेन में टू नहीं है। तो अगर इफ वी ट्राई
to draw a graph of this function, no doubt इसी तरीके से वैल्यूज जाएंगी, लेकिन हम जानते हैं x equal to 2 इसकी डोमेन में नहीं है, तो 2 पर वैल्यूज फंक्शन की डिफाइंड नहीं होगी, यानी इस तरीके से ये ग्राफ होगा। कहने का मतलब है ये तो वैल्यू 0.2 ही रहेगी जैसे पहले रहा था। ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई करके ये जो फंक्शन आया और ये जो फंक्शन इनिशियली दिया हुआ है, ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सेम है? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, ये सेम तो नहीं है। तो क्या फर्क है इनमें? इनमें फर्क है कि इस पॉइंट पर, यानी 2.0 पर कायदे से वैल्यू देखूं, और अगर मैं यहां पर देखूं, लेट अस से ये 2 है, 2 पुट करने पर यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू 4 हो जा रही है, राइट? 2 पर वैल्यू 4 हो जा रही है, और यहां 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब कहने का, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट मी नेम दिस फिगर एज, और दिस पार्ट एज फर्स्ट पार्ट एंड दिस एज द लेट अस से सेकंड पार्ट, और अगर मैं पूछूं इस डायग्राम में आपसे कि भैया मुझे ये बताएं कि 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, इफ आई आस्क यू एफ ऑफ 2, योर आंसर इन द फर्स्ट पार्ट विल बी 4, लेकिन इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन हेयर एफ ऑफ 2, आंसर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज 2 उसकी डोमेन में नहीं आता। अब जो वर्ड लिमिट है, लिमिट हम निकालते हैं, मैंने जैसा कहा वी वॉन्ट टू नो द नेचर ऑफ द फंक्शन इन द नियरेस्ट नेबरहुड, आई एम रिपीटिंग, नेचर ऑफ अ फंक्शन इन द नियरेस्ट नेबरहुड ऑफ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बोलने का तरीका इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, मतलब इस बात का मतलब आप ऐसे समझो कि जो 2 पर वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम राइटिंग ओवर हियर, इस बात का मतलब है मैं एफ ऑफ 2 नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आई एम आस्किंग अबाउट द नेचर इन द नेबरहुड, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं 2 की नेबर में जानना चाहता हूं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, मतलब किस वैल्यू को वो टेंड कर रहा है, यानी यहां तो मैं बात करूंगा वो देखने से ही पता चल रहा है कि 2 के आसपास वैल्यू 4 को टेंड कर रही है। यहां भी आप देखें, अगर लिमिट है तभी तो हम बात कर पाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ f ऑफ x, इसका आंसर यहां पर 4 आएगा। कहने का मतलब 2 के नेबर में, 2 के नेबर में मतलब 2 का इधर का पड़ोसी और इधर का पड़ोसी, पड़ोसी मतलब समझते, नेबर समझते, नियरेस्ट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 2 डज नॉट मीन एट x इक्वल टू 2, बिकॉज एट x इक्वल टू 2 द फिगर नंबर 2 सेज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर कि 2 के आसपास फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ या लिमिट पढ़ने की जरूरत पड़ी। मेरी बात समझे, लिमिट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए वहां वहां बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नेचर ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। आई एम रिपीटिंग, जब एक्सटेंडिंग टू 2 पर बात कर रहा हूं, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर नहीं बात कर रहा हूं, 2 के नेबर में बात कर रहा हूं, राइट पड़ोसी या लेफ्ट पड़ोसी, व्हेन आई यूज दीज टू वर्ड्स
टू का नियरेस्ट नेबर मतलब क्या है इस बात का, आते हैं इस बात पे भी, ये हाँ समझते। अच्छा एक बात मैंने ऊपर वर्ड यूज किया जो मैंने अभी बोला नहीं था जानकर के, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ये आपके सामने लिखा है। जैसे कि एक मिनट के लिए मेरी बात सुने ध्यान से, जैसे कि हमने क्या करा, मैंने लिमिट निकालनी चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस फोर के दो फैक्टर बनाए उसी ठीक प्रकार से जैसे यहां पर बना करके एफ एक्स सिंप्लीफाई होकर के एक्स प्लस टू आ गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ऑफ एक्स प्लस टू निकाला और वो वैल्यू फोर आ गई, यानी एक्स की जगह यहाँ टू पुट कर दिया तो आंसर फोर आ गया। ये तो सही हो गई बात, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स पे भी आ रहा हूं, इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन ऑफ एक्स प्लस वन, आंसर विल बी टू। ये केवल इतनी बात जितनी मैंने समझाई कि फंक्शन यहां पर एक्स प्लस वन है तो वन के पड़ोस में, वन के नियरेस्ट नेबर में ये फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, हमने ये निकाल लिया केवल इस बात से, लिमिट की जितनी बात मैंने अभी तक समझाई उससे ये समझ आ रहा है, इसे वैल्यू पुट करने पर आंसर आ गया। लेकिन क्या वैल्यू पुट करने पर एक रियल आंसर हमेशा आ जाएगा? आंसर इज नो। व्हाई? ध्यान से देखें, जैसे कि अभी अभी आपने देखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें अगर मैं टू इनपुट करना चाहूं तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रहा है। वो अलग बात है हमने इसको फैक्टराइज किया ऊपर और हमारे पास आंसर फोर आ गया, राइट? इसी तरीके से अगर मान लो एक और क्वेश्चन लू मैं आपके सामने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, लेट अस से आई टेक दिस क्वेश्चन, फिर दोबारा ध्यान से देखें ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है क्योंकि थ्री पुट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो रहे हैं जो कि मैथ्स में अलाउड नहीं होता, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे। फैक्टराइज करूंगा जैसे ही मैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री ये बन जाएगा एक्स प्लस थ्री, राइट? और आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू पुट करने पर सिक्स। तो आप समझो मेरी बात, ये दोनों क्वेश्चन विच जस्ट नाउ आई टुक द एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन, दोनों में जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा था जो कि मैथ्स में सही नहीं है, अलाउड नहीं है लिखना, और दोनों का आंसर एक का चार आया एक का छह आया, मतलब क्या हुआ, हम इसका आंसर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, हमने एक मेथड का सहारा लिया जिस मेथड को मैंने फैक्टराइजेशन कहा, फैक्टराइजेशन कहा, और आंसर अलग अलग आ सकता है, आया भी है आपके सामने। यही कारण है हमने आपके सामने, मैंने दो बातें करी, पहला मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया, हम लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं, किसकी लिमिट्स निकाल रहे हैं, कैसे लिमिट निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिए, ये शायद जितनी बात अभी तक समझाई उसे समझ आने के लिए काफी है, लेकिन कैसे लिमिट निकालेंगे उसका आंसर अभी मैंने नहीं दिया, यानी हाउ, हाउ का आंसर जानने के लिए पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से हम अलग अलग फॉर्म का आंसर निकालेंगे, अलग अलग टेक्निक से आंसर निकालेंगे, अलग अलग टूल से आंसर निकालेंगे, ठीक? तो मैंने जैसा कि बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ फंक्शन जहां पर आप एक्स की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपके पास डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि ये केस है, या ऊपर जो मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ऑफ एफ एक्स, कोई टेंशन नहीं थी यहाँ पर, हर जगह पर हर चीज डिफाइंड थी, तो वही वैल्यू आ रही है जो टू पर आ रही है, वही वैल्यू टेंडिंग टू टू पर भी आ रही है लिमिट पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जैसा कि ये केस या ये केस लिया गया, इन सब के अंदर में एक ऐसी फॉर्म बनेगी जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती मैथ्स के अंदर, जैसे कि ऐसी सारी फॉर्म्स, सात फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे और उन सात को हम सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे।
ये दिखने में बहुत इजी सी नजर आ रही है, बात है भी इजी, लेकिन एक चीज बच्चे गलती करते हैं इसको समझने में कई बार। जीरो बाय जीरो फॉर्म का मतलब प्लीज ये मत समझिएगा जीरो जीरो काट दिया और आंसर वन आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म के सवाल का आंसर वन आ सकता है? यस आंसर आ सकता है, क्योंकि तभी तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, हम कमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखनी पड़ेगी। दूसरी बात, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अब प्लीज इसको भी ये मत समझिएगा ऊपर इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी कट गया आंसर वन आ गया। अरे भैया हमें नहीं पता ऊपर और नीचे वाले इन्फिनिटी में कौन सा इन्फिनिटी बड़ा और कौन सा छोटा है। तीसरी फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर हमने तो बचपन से पढ़ा है जीरो इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। सही है आपने पढ़ा, जीरो इंटू एनी रियल नंबर इज ऑलवेज जीरो पढ़ा, इसको रेक्टिफिकेशन करते हैं, इन्फिनिटी तो किसी ने देखा ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ये जीरो नहीं है, ये टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग टू का मतलब शायद जितना लिमिट्स के बारे में मैंने जिक्र किया हम समझ पाए हैं, टेंडिंग टू का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्चुअल वैल्यू है, नेबर की बात होती है, उसके लेफ्ट में जरा सा या उसके राइट में जरा सा। इसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कटेगा नहीं, अगेन इन्फिनिटी बड़ा छोटा आई डू नॉट नो। वन पावर इन्फिनिटी, फिर दोबारा कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर हमने तो पढ़ा है वन की पावर कुछ भी करेंगे तो वन ही आएगा। दोस्तों ये एग्जैक्ट वन नहीं है, आई एम रिपीटिंग, एग्जैक्ट वन अगर मैं बोलूं की पावर इन्फिनिटी करूंगा तो आंसर हमेशा वन आएगा, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन टेंडिंग टू वन की पावर इन्फिनिटी करूंगा तो क्या आंसर वन आएगा? आई डू नॉट नो, दैट्स व्हाई इट इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसी तरह इन्फिनिटी पावर जीरो और जीरो पावर जीरो फॉर्म भी इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग टूल होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, वो तरीके ही हमने डिस्कस करने हैं। और उन सब पे जाने से पहले अगला सवाल हम बात करेंगे लिमिट निकालते कैसे हैं, लिमिट की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है वो समझ आया। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द लिमिट, एंड आई विल टेल यू हियर नाउ हाउ डू वी कम टू नो वेदर द लिमिट एग्जिस्ट यस और No. तो ध्यान से देखें, इधर ये लिखा है इवेल्युएशन ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब मैंने लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी की बात करी उसका मतलब है लेफ्ट पड़ोसी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट मतलब राइट पड़ोसी मतलब राइट हैंड लिमिट की बात। तो ध्यान से देखें, मान लो ए पर हम कमेंट ए पर बात करना चाह रहे हैं लिमिट की, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। पहली बात ये समझनी जरूरी है, एक्स अप्रोचेस टू ए, so then this variable x on the r line yani number line can do the job in different ways from the left hand side as well as the right hand side। yahan se main baat karunga yani left se, to main likhunga left hand limit and it will be denoted by x tending to a minus 0। a minus 0 matlab a mein se kuch ghat raha hai, ya aise bol de aap, aisa bol de aap लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करूंगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ए के नेगेटिव साइड ए के पीछे से अप्रोच हो रहा है, यानी ये ए है अगर तो यहां से अप्रोच कर रहा हूं मैं इधर से, यू गेटिंग माय पॉइंट। और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स इक्वल टू ए माइनस का एच, जहां पर एच कौन है, इट इज अ infinitesimally small positive number, I am writing here infinitesimally small positive number, you getting my point, सबसे छोटा number positive वो h से denote किया जाता है infinitesimally small positive number, इसीलिए बोल रहा हूं। तो a में से कुछ घट गया, क्या घट गया वो दिखेगा नहीं आपको, इतना छोटा घटा, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और राइट हैंड लिमिट क्या कहते हैं, अगर इधर की डायरेक्शन से अप्रोच करें यानी ए से थोड़ा सा बड़ा नंबर, कितना बड़ा, ए के ऊपर प्लस, यानी ए प्लस एच। और इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर यहां हमने एफ एक्स लिखा था तो एक्स की जगह एफ ऑफ a माइनस एच लिखा, या यहां भी लिख दो आप एफ ऑफ
a माइनस का h, एक ही बात। यू गेटिंग माय पॉइंट? x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज इक्वल्स टू a माइनस h या a प्लस h, राइट हैंड लिमिट के अंदर में a प्लस h, और दोनों ही केस में h LHL में या RHL में यूज होगा, तो h एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब सवाल उठता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है। आप ऐसे समझें, द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट इफ बोथ द लेफ्ट एंड द राइट लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। मतलब सिंपल बात ध्यान से देखें, ये लिखा है यहां पर, इस बात को समझें, पॉइंट नंबर थ्री को, द लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स इज सेट टू एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी डिसरिगार्ड्स वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट एट एक्स इक्वल टू ए। इस बात को प्लीज अच्छे से समझिएगा आप, ये वैसी ही बात है। सिंपल अगर मैं बोलूं, मान लीजिए एक क्लास में एक दिन एक बच्चा कोई नहीं आता है और उस बेंच पे तीन बच्चे बैठते हैं और एक बच्चा उसके राइट में बैठता है और एक बच्चा उस बच्चे के लेफ्ट में बैठता है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेचर ऑफ दैट स्टूडेंट, तो मेरा ऐसा मानना है क्लास में जो दो बच्चों, इस बच्चे के अगल बगल में जो नियरेस्ट पड़ोसी होंगे वो सबसे बेहतर उस बच्चे को जानते होंगे। तो अगर उस बच्चे के बारे में, उसका नेचर के बारे में जानना है, तो अगर राइट नेबर और लेफ्ट नेबर दोनों ने, फॉर एग्जांपल बोला, लेफ्ट नेबर ने बोला कि सर ये बच्चा बहुत अच्छा है, राइट नेबर ने बोला सर ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो मतलब मैं मान लूंगा कि वो बच्चा अच्छा है। लेकिन दोनों ने बोला पता नहीं, तो मैं क्या मानूंगा? पता नहीं, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर एक ने बोला अच्छा है और एक ने बोला बुरा है, तब भी मैं कंक्लूजन पे नहीं आ पाऊंगा कि भैया वो बच्चा कैसा है, मैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस केस के अंदर में। तो नटशेल में बात करें, उसी चीज को दोबारा टेक्निकल पार्ट पे आ जाए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो होनी चाहिए, लेकिन एक फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल भी होनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों लिमिट इंफिनिटी को जा रही है, नो, दे बोथ मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब एक लाइन और लिखी है, डिसरिगार्ड्स वेदर एफ इज डिफाइंड और नॉट एट एक्स इक्वल टू ए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइंड है या नहीं है। बिल्कुल सही है, ये वैसी ही बात है। आप ऐसे समझें जैसे हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, ग्राफ बनाया था, ये और ये, किसका? x square minus का 4 upon x minus 2 का हमने बात करी थी, ये 2,0 है। तो आप इस बात को ऐसे समझें, और ये वैल्यू 0,4 थी, राइट? तो आप इस बात को आप ऐसे समझें, देखो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी ये बात, कि 2 का जो राइट पड़ोसी है लेट से वो ये रहा, दिस इज 2 प्लस एच, एंड 2 का लेफ्ट पड़ोसी है लेट से ये रहा, यानी लेट से 2 माइनस एच, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूंगा, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस का एच, x इक्वल टू 2 माइनस एच हो जाएगा, ये क्योंकि x इक्वल टू 2 माइनस एच हो जाएगा। समझ आ रही है बातें मेरी? तो ये वैल्यू, अब ये सिंप्लीफाई होकर के हमने देखा था, ये सिंप्लीफाई हुआ फैक्टराइज होकर के, ये x प्लस 2 आया था। तो यहां पर अगर मैं, ये fx की वैल्यू आई थी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f ऑफ 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 2 बनेगा। आ रही बात समझ में? अरे भाई ये एफ एक्स है, इनपुट प्लस 2 आउटपुट आ रहा है, तो ये इनपुट है, यहाँ पर इनपुट प्लस 2 आउटपुट आया, तो ये बना कितना? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 माइनस का एच, और ये 4 माइनस एच वैल्यू आई एच टेंडिंग टू 0 इनपुट करा, तो जैसे ये 4 आया, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आई। समझ आई ये बात? और इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, यानी लिमिट
h टेंडिंग टू जीरो ऑफ f ऑफ 2 प्लस एच, यानी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, f ऑफ 4 प्लस एच हो गया, जो कि वैल्यू फिर से 4 आ गई। और हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू बराबर आ गई और दोनों फाइनाइट वैल्यू है, यानी इधर से भी फंक्शन की बात करूं या इधर से भी फंक्शन की बात करूं, दोनों जगह से वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही है, तो यस द लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 4 बिकॉज इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी डिसरिगार्ड्स वेदर एफ इज डिफाइंड एट ए और नॉट। ध्यान से देखें, यहां पर 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और खाली x प्लस 2 का केस लिया था वहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। तो कहने का मतलब इतनी अच्छी बात समझ में आई हमें ये कि 2x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, यानी a उसकी डोमेन में है या नहीं है, इस बात से लिमिट के एग्जिस्ट करने या ना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी है एज पर द प्रोसेस आई टोल्ड यू नाउ, एंड इफ दे बोथ आर इक्वल एंड दे आर फाइनाइट देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट, एल्स अपार्ट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीनों बातें कंपलसरी हैं, ये तीनों बातें LHL, ये सारी बातें कंपलसरी हैं। इनमें से एक भी बात अगर होल्ड ट्रू नहीं कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्लियर है, नहीं करेगी। मेरी बात समझ आ गई? तो यहां तक मैंने लिमिट का मतलब समझाना था, आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आई टेक अ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड और मेक यू अ मोर क्लियरर पिक्चर अबाउट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एंड हाउ डू वी कैलकुलेट वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इट हैज नो लिमिट एट ऑल इंटीजर्स, ये लिखा है। तो मतलब क्या है इस बात का, आप ऐसे समझें, ध्यान से देखो, मान लो मैं किसी इंटीजर पर, लेट अस से से x इक्वल टू 1 पर मैं बात करना चाह रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक, प्लीज आराम से समझिएगा इस बात को। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, फिर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 के माइनस में मैं बात करूंगा, राइट हैंड लिमिट मतलब मैं 1 के प्लस में बात करूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द वैल्यू एट 1 इज, मतलब 1 उसकी डोमेन में है नहीं है, वैसे हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन में ऑल रियल नंबर होते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब h टेंडिंग टू 0, यानी f ऑफ 1 माइनस h, ऐसा लिखूंगा क्योंकि हमने यहां पर x को 1 माइनस h से सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, जो कि क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस का h। अब 1 में से कुछ घट रहा है तो बहुत छोटा घट रहा है, लेकिन 0.9999 वैल्यू आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, सही है बात ये। लेकिन 1 प्लस की बात करूं अगर मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की बात करूंगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h की बात करूंगा, तो ध्यान से देखो दोस्तों, 1 आएगी वैल्यू कि नहीं आएगी, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नॉट एट ऑल। अब यहां से हमें समझ आया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो वी कैन सिंपली से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम बोल सकते हैं, क्लियर है? और ऐसा केवल 1 पे नहीं, हर इंटीजर पे होगा, और आप चेक कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन होता है उसके अंदर में भी जो डेफिनेशन में चेंज आता है, इतना फंक्शंस में आपने पढ़ा है कि हमेशा वहां पर डेफिनेशन में जो चेंज आता है वो कहां पर आता है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर आता है। अब ये तो तरीका हुआ बिल्कुल बेसिक तरीके से चलने का और जानने का, लेकिन अगर हमें अपने IIT पर्सपेक्टिव बात करनी है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारी बातें आपको समझा दी, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसी तरीके से करेंगे और आप पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, पूरी बातें ये स्टेप लिखेंगे। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, विल आई बी एबल टू, यस आई विल बी एबल टू, सिंपली आप ऐसे समझें
आप इस थॉट को ऐसे लगाएं, यार हमें पता है कि एक तरीका तो ये है कि इसका ग्राफ मुझे याद है, ये जीरो होता है ये वैल्यू, ये वन होती है, ये वैल्यू टू होती है, यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर में अगर मैं वन के माइनस पर बात करूं, मुझे वन माइनस एच वन प्लस एच लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। वन के माइनस में बात करूंगा तो साफ साफ नजर आ रहा है, वन से छोटा है तो वैल्यू जीरो आ रही है, और वन से बड़ा है तो वैल्यू वन आ रही है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई वुड रिकमेंड यू टू अडॉप्ट दिस मेथड। ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए, आप सीधा वन प्लस और वन माइनस पर डायरेक्टली वैल्यू चेक करें। ठीक, अब इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर में था तो फ्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा। और अब अगली बात करें, अगर अगला एग्जाम्पल है मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बात करनी है, तो ध्यान से देखें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हमने बात करनी है मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो फिर दोबारा वही बात, जीरो प्लस पर बात करेंगे और जीरो माइनस पर बात करेंगे। जीरो प्लस पर जैसी मैं बात करूंगा तो मॉड ऑफ एक्स विल बी एक्स, यानी एच बाय एच की बात हो जाएगी तो वैल्यू वन आ जाएगी, और माइनस एच अपॉन एच की वैल्यू हो जाएगी तो वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो ये बराबर नहीं है, फिर से आंसर हम बोल सकते हैं द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। राइट, क्लियर है बात। ध्यान से देखो ये दोनों केसेस जो मैंने लिए यहाँ पर, वहां पर जिस पॉइंट पर मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ वहां पर डेफिनेशन में बदलाव आ रहा है। आई एम रिपीटिंग, जिस पॉइंट पर मैं लिमिट निकाल रहा हूँ मॉड एक्स के अंदर में भी जीरो पर डेफिनेशन में चेंज आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी इंटीजर पर डेफिनेशन में चेंज आ रहा है। अब इसी तरह आगे मैं बात करूं tan इनवर्स 1 अपॉन x की x टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, मैं 0 के प्लस में बात करूंगा और 0 के माइनस में बात करूंगा। 0 के प्लस में बात करें, अब ध्यान से देखो ये वैल्यू tan इनवर्स के अंदर में इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, और हम जानते हैं वो वैल्यू पाई बाई 2 को जाती है, क्योंकि tan इनवर्स का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं, ऐसा हमने ITF के अंदर में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ये वैल्यू ऐसा कुछ होता है ग्राफ, राइट? ये वैल्यू 0.π/2 होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है दिस वन, दिस इज 0-π/2। तो 0 माइनस पर बात करूंगा तो tan इनवर्स के अंदर में माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी वैल्यू -π/2 को जा रही है। तो ऐसा इसका मतलब साफ पता लग रहा है दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो आंसर अगेन इज द लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? और इसी तरह अगला एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो पर। देखिए ध्यान से, एक्सटेंडिंग टू जीरो पर साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, अब मैं इसके अंदर में जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच करके नहीं देखूंगा, ऑब्वियसली आप ऐसे ही पता लगा लेंगे कैसे। ध्यान से देखें, आप जीरो प्लस पर बात करें और जीरो के माइनस में बात करें, ठीक है? तो जीरो के प्लस में बात करें, प्लीज पे अटेंशन, दिस क्वेश्चन इज गुड वन। अब हम जानते हैं यार कि secant x का जो ग्राफ होता है, secant x का जो ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, तो secant का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ऊपर जो डॉटेड वन है मैं वो दिखा रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, दिस पॉइंट इज 0.1, राइट? तो 0 के प्लस में अगर मैं बात करूं, 0 के प्लस में मैं बात करूं तो साइन 0 के प्लस पर वैल्यू secant की क्या आ रही है, 1 से ज्यादा, क्योंकि 0 पर वैल्यू 1 आ रही है तो 1 से ज्यादा आ रही है। अब साइन इनवर्स के अंदर में ग्रेटर देन वन क्वांटिटी अलाउड है क्या? नॉट अलाउड, हम जानते हैं, ऐसा हमने ITF में पढ़ा हुआ, इनवर्स के अंदर में पढ़ा हुआ, साइन इनवर्स के अंदर में वन से बड़ा नंबर अलाउड ही नहीं होता है। और यहां मैं बात करूंगा फिर से साइन इनवर्स के अंदर में, सीकेंड के अंदर में जीरो के माइनस की तरफ, यानी ये नंबर फिर दोबारा वो वैल्यू ग्रेटर देन वन ही जा रही है, जो कि फिर दोबारा साइन इनवर्स के अंदर में वो वैल्यू अलाउड नहीं होती है। तो आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर मेरी बात सभी को यहां तक समझ में आ रही होगी। और इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट एक्स। देखो यहां इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी बात। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट एक्स, अगर मैं जीरो प्लस पर बात करूंगा तो हमने अभी अभी देखा
सीकेंट जीरो प्लस पर बात करते हैं तो वैल्यू वन से बड़ी आती है, तो साइन इनवर्स के अंदर में वन से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर क्या आएगा, वन आएगा, तो साइन इनवर्स में वन हो जाएगा तो वैल्यू पाई बाय टू ही तो आएगी। और अगर मैं जीरो के माइनस में बात करूंगा तो साइन इनवर्स के अंदर में क्या वैल्यू आएगी, फिर से वन ही तो आएगा, क्योंकि यही बात, ये वाला कारण है, वन से बड़ा ही इनपुट है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर वन आएगा, तो फिर से वैल्यू पाई बाय टू आएगी और ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो यस द लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर जो है वो क्या है, पाई बाय टू, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। और इसी तरह मैं एक और सवाल आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि लेट अस टॉक अबाउट, अगर हमने बात करनी है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन मॉड्यूलस x की। आप ध्यान से देखें, एक बार जीरो प्लस पर बात करूंगा और एक बार मैं जीरो माइनस पर बात करूंगा। जीरो प्लस पर बात करेंगे तो वन अपॉन जीरो प्लस यानी वन यानी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, और जीरो माइनस जाएगा तो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, तो वन अपॉन पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, वन अपॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर यही रहेगा, विच विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑब्वियसली। बट क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? आंसर इज नो, डज नॉट एग्जिस्ट। याद करो मैंने लिमिट की डेफिनेशन बताई थी, LHL और RHL बराबर तो है लेकिन वो दोनों फाइनाइट भी होने चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? देखो वन अपॉन मॉड एक्स का ग्राफ सभी को आता होगा आई एम श्योर, राइट। तो ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि दोनों जीरो प्लस या जीरो माइनस पर वैल्यू इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। तो ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। कुछ छोटी छोटी और बातें विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक बेसिक ग्राफ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट 100% लिमिट का मतलब समझ में आ जाए। जैसे कि ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे कि ध्यान से देखें, x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन है, x इक्वल टू जीरो पर मैं बात करूं, जीरो प्लस पर बात करूंगा तो वैल्यू वन आ रही है क्या? यस, जीरो पर वैल्यू वन आ रही है, जीरो के प्लस पर भी वैल्यू वन को ही तो अप्रोच कर रही है, वन से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन लिमिट की बात कर रहे हैं तो वन माइनस एच का लिमिट निकालेंगे एच टेंडिंग टू जीरो पर तो वन ही आएगा, राइट। एक्स इक्वल टू वन पर अगर मैं बात करूं, वन पर बात करूं तो ध्यान से देखिए वन के माइनस में यानी यहां पर कहीं ना कहीं वन के माइनस में वैल्यू जीरो को जा रही है, लेकिन वन के प्लस में यानी यहां पर वैल्यू जा रही है यानी वो वैल्यू वन को जा रही है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन ऑफ एफ एक्स, आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियरली आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, टू पर बात करते हैं, टू के प्लस में बात करें तो ये वैल्यू इधर को जा रही है, टू के माइनस में बात करें तो इधर जा रही है, दोनों पर ही वैल्यू किसको जा रही है, टू प्लस और टू माइनस पर वैल्यू बराबर आ रही है और वो वैल्यू वन को जा रही है, ग्राफ से देख करके समझ में आ रही है। यहाँ पर हमें टू प्लस एच या टू माइनस एच लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टू के प्लस में टू से जरा सा नंबर बड़ा है तो भैया वन से थोड़ी सी बड़ी तो वैल्यू जा रही है, यानी उसकी लिमिट निकालूंगा तो वन प्लस एच की लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर वन ही तो आएगी, और टू के माइनस में भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ऑफ एफ एक्स, आपका आंसर आएगा वन, एग्जिस्ट कर रही है और आंसर क्या आएगा, वन आएगा, बिल्कुल सही है बात। बट क्या ये वैल्यू टू पर है, उसके बराबर है? इफ आई आस्क यू एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू पर वैल्यू टू आ रही है, जस्ट टू टेल यू के यहां पर ये वैल्यू टू पर बराबर नहीं होगी, वो अलग बात है, हमें टू पर क्या हो रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और इसी तरह आई एम श्योर ग्राफ को देखकर थ्री के प्लस और थ्री के माइनस में आप देख पा रहे होंगे वैल्यू टू आ रही है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और टू आ रही है, लेकिन थ्री पर वैल्यू क्या आ रही है, थ्री पर वैल्यू ध्यान से देखो, थ्री पर भी वैल्यू टू ही आ रही है, यहाँ पर ये बात नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल टू ही आएगा। देखो थ्री पर बात करें, थ्री के माइनस में और थ्री के प्लस में दोनों पर वैल्यू टू अप्रोच करिए और थ्री पर भी वैल्यू टू ही आ रही है, राइट। एंड सिमिलरली
x इक्वल टू 5 पर अगर हम बात करें, 5 के माइनस पर वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है, तो जैसे ही इंफिनिटी वर्ड आया द आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो आई एम श्योर ये भी आप सबको समझ में आ गया और इसी तरह आगे भी किया जा सकता है। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, हम लिमिट अगर x इक्वल टू 2 पर निकालना है तो मैं सीधी बात लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पर बात करूंगा ऑफ एफ एक्स यानी एल एच एल। ये जो फंक्शन दिया गया है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दिया गया है, यानी फंक्शन की दो ब्रांचेस है, तो एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस पर फंक्शन की डेफिनेशन ये है। और इसी तरह अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स की बात करूंगा, ठीक है, जो कि डेफिनेशन ये रही आपके पास। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं से पूरा, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस h, h इज टेंडिंग टू 0, तो यहां लिखेंगे x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और यहां लिखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ 2 प्लस h। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जो सीबीएसई परस्पेक्टिव बात करी जाए तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 प्लस h पर बात करूंगा तो हम जानते हैं डेफिनेशन ये रही, तो यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस h माइनस का 3, तो यहां पर वैल्यू h को टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 विद वैल्यू विल बी 1, और यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h यानी 4 माइनस ऑफ 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना, h टेंडिंग टू 0 तो 4 माइनस का 4 के वैल्यू टेंटेटिवली 0 को ही जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं लिख सकता हूं डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। या और अगर ये नहीं करना था तो 2 प्लस पर बात करो, 2 प्लस पर बात करो तो 4 में से 3 घटा दो टेंटेटिवली 1 को वैल्यू अप्रोच करेगी, और 2 के माइनस में 4 में से 4 टेंटेटिवली 0 को वैल्यू अप्रोच करेगी, ये दोनों बराबर नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। और आखिरी में ग्राफ की, अगर क्वेश्चंस में कई बार ग्राफ दिया होगा, ग्राफ से भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जैसा कि अभी अभी पीछे हमने देखा, ठीक। तो अब आपके सामने है 5 ये फंडामेंटल थ्योरम्स जो लिमिट को सॉल्व करने के लिए काम आएंगी आपको। पहली बात ये जरूरी है कि अगर लेट अस से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की एल है और एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ जी एक्स की वैल्यू एम है, और अगर एल और एम एग्जिस्ट कर रहे हैं का मतलब है एल एंड एम बोथ आर फाइनाइट वैल्यूज, तभी एग्जिस्ट करेंगे, एल्स अपार्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो पहला रूल है सम एंड डिफरेंस रूल, यानी एफ प्लस माइनस का जी ऑफ एक्स को अलग अलग से दोनों की लिमिट लिख सकते हो, एफ एक्स की लिमिट प्लस माइनस का जी एक्स की लिमिट, यानी एल प्लस माइनस का एम आंसर आ जाएगा। सेम एज इन ओवर हेयर, आई डोंट थिंक सो, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, समझ आ रही होगी बात। प्रोडक्ट रूल, एक साथ लिख दिया तो दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करके एल इंटू एम आ जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे एफ बाई जी, तो ऊपर की लिमिट अलग नीचे की लिमिट अलग, लेकिन ध्यान रहे डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्वेश्चन रूल के अंदर में। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल, सीधी बात के टाइम्स ऑफ एफ एक्स के अंदर रखा या के बाहर ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि तो कॉन्स्टेंट है, उसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए से कोई लेना देना नहीं है, तो के इज अ कॉन्स्टेंट है। मॉडुलस की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लिखे या टोटल का मोड ले लें, एक ही बात है, तो अंदर जो है ना लिमिट की वैल्यू एल थी तो मॉडुलस ऑफ एल आ जाएगा आंसर, एक ही बात है, राइट। पावर रूल की बात करें, पावर रूल एफ एक्स की पावर जी एक्स निकालना है तो हम एफ एक्स की लिमिट अलग निकाल लें ए पर, जी एक्स की लिमिट अलग निकाल लें ए पर, और जो आंसर आएगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। और कॉम्पोजिट फंक्शन रूल, एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स मालूम ही है आपको, एफ ओ जी एक्स, तो एफ ऑफ लिमिट अंदर में जी एक्स की निकाली, लेट अस से वो वैल्यू एम आई, तो एफ ऑफ एम आंसर आ जाएगा, सही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ लिखे हैं, जैसे कि लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, एफ एक्स और लॉग दो का इन्वॉल्वमेंट करके फंक्शन आया तो कॉम्पोजिट आ गया, तो अंदर में एफ एक्स की लिमिट निकाली और लॉग के अंदर में जो वैल्यू आ गई, क्योंकि लिमिट तो एफ एक्स की एग्जिस्ट कर रही है,
log of L would be the answer. And same is in here in the B part and C part. B part में e par fx लिखा है, तो e तो constant है, तो limit fx की निकाले, वो L है, तो e की पार L आंसर हो जाएगा. और फिर आखिरी बात ये लिखी है कि अगर x tending to a पर limit infinity या minus infinity होगी, तो 1 upon infinity या 1 upon minus infinity will be a value tending to 0. ये शायद बात बहुत बहुत अच्छे से clear है, इसमें कोई भी tension नहीं है, right? तो यहां तक मैंने आपको लिमिट्स का इंट्रोडक्शन, लिमिट्स की डेफिनेशन, या यूं कहूं जो पहले तीन सवाल जो मैंने बोले थे आपसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन सब सवालों का जवाब दे दिया है. अब इससे अगले टॉपिक्स क्या आएंगे, द वेरियस स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व अ लिमिट. सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज स्ट्रैटेजीज वन बाय वन, राइट.